मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 19 मई, पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 28, पद संख्या 16 से 20 और 30। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वे पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई पाप किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियो के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड की योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इनका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी, यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था। इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इसराइल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वे सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत जोहन का सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 20 से 25 तक। पेत्रुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वे कौन हैं जो आपको पकड़वाएंगे? पेत्रुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में ये अफवाह फैल गई कि वे शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने ये नहीं कहा कि ये नहीं मरेगा, बल्कि कि यदि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? ये वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने ये लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। प्रभु का सुसमाचार, क्रिस्त की जय।